नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कैटरीना को एयर इंडिया की विमान में चढ़ने से रोका। एयर इंडिया के अधिकारियों ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को मुंबई जाने वाली उनकी निर्धारित उड़ान में चढ़ने नहीं दिया। दोनों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल क्षेत्र में अपनी आगामी फिल्म का प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उड़ान में सवार होने में देरी की, जिस वजह से उन्हें विमान में चढ़ने नहीं दिया गया। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा जांच के बाद दोनों अपनी आगामी फिल्म बार बार देखो के प्रचार के लिए हवाई अड्डे के ड्यूटी फ्री क्षेत्र में प्रशंसकों से मिलने लगे। सूत्रों ने कहा कि दूसरे यात्रियों के रवानगी में देरी को लेकर शिकायत करने के साथ आखिरकार रात करीब 10:45 पर एयरलाइन ने दोनों को विमान में सवार नहीं होने देने का फैसला लिया। कुपवाड़ा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के काफिले पर बुधवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में अभी तक 3 जवानों के घायल होने की खबर है। आतंकियों ने यह हमला बारामूला कुपवाड़ा रोड पर स्थित लंगेट में किया। लंगेट कुपवाड़ा जिले में तहसील है, जो श्रीनगर से लगभग 66 किलोमीटर दूर है। जब यह हमला हुआ तब सेना का काफिला कुपवाड़ा जा रहा था। आतंकियों ने करालागुड़ गाँव के पास काफिले पर अचानक हमला बोल दिया। आतंकी हमला करने के लिए यहाँ छिपे हुए थे और काफिले पर फायरिंग के बाद तुरंत भाग गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और हमलावरों को ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले भी 19 अगस्त को आतंकियों ने कुपवाड़ा जिले में हमला किया था। आतंकियों ने तब बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाया था। पाक सेना प्रमुख ने छेड़ा कश्मीर राग, बोले अजय है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताते हुए कहा कि पाकिस्तान घाटी के लोगों का कूटनीतिक और नैतिक मोर्चों पर समर्थन करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का रक्षा अजय है। जनरल शरीफ ने पाकिस्तान को रक्षा दिवस पर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किए गए बलिदानों को सलाम करते हैं। मुद्दे का हल इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने में निहित है। पाकिस्तान कश्मीर का कूटनीतिक और नैतिक मोर्चा पर समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का रक्षा अजय है।